मैम, मेरी पत्नी और मेरे दो बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं और ऐसा कई बार किया है। मैं उनको मना कर लाता रहा लेकिन तीनों मुझसे खुश नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जबकि मैं सरकारी नौकरी पर हूँ और हर प्रकार की सुख सुविधा देता हूँ, कोई भी कमी नहीं रखता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत डिप्रेशन में हो जाता हूँ, अकेले रहना पड़ रहा है और बार बार उनकी याद सताती है और तीनों मुझसे कोई बात तक नहीं करते। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया उचित मार्गदर्शन देने की कृपा करें। तो देखिए, यहाँ पे जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी पत्नी चरित्रहीन हो तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि वो बार बार आपको छोड़ के मायके चली जाती है या किसी और से कांटेक्ट हो। लेकिन आपका यहाँ पे कहना ये भी है कि पत्नी बुरे चरित्र वाली नहीं है, मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, लेकिन उसका भावनात्मक रवैया नहीं है, कम बुद्धि की महसूस करता हूँ और अकड़पन भरा हुआ है। और मेरी बदकिस्मती से मुझे उसके शहर यानी उसी के मायके में नौकरी मिली हुई है, सहायक ग्रेड में। उसके घर वालों की भी कम बुद्धि है जो उसे कभी सही सलाह नहीं देते हैं। अगर जाती है तो उसे वापस जाने के लिए नहीं कहते हैं, इसलिए मुझे ही झुकना पड़ता है और माफी मांगकर घर वापस लाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं आपने अपनी लिख दी है। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो ये समस्या है उसका सही समाधान आपको दे सकूं। वीडियो शुरू करूं लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। जा जोड़े तो जापान, अमीरों के लिए है यह शान, बनारसी है उसकी पहचान, दांतों में बढ़ती इसकी शान। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपने अपनी समस्या लिखी है उसके हिसाब से जो चीजें मैं समझ पा रही हूँ उसी के हिसाब से आपको मैं गाइड करूंगी। सबसे पहली बात तो आपने लिखा है कि आप सरकारी जॉब पे हैं, इसका मतलब आप पढ़े लिखे और समझदार होंगे। और दूसरी चीज आपने लिखा है कि आप अपनी पत्नी को कम बुद्धि महसूस करते हैं। और देखिए, पत्नी जैसी भी होती है, माँ जैसी भी होगी, बच्चे वैसे ही होते हैं। तो अगर आपकी पत्नी वाकई में कम बुद्धि है या चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ पाती, उनके घर वाले भी ऐसे ही होंगे, इसलिए आपकी पत्नी ऐसी है। आपके बच्चे भी अपनी माँ का ही कहना मानेंगे और अगर माँ गलत है तो बच्चे भी गलत राह पे ही चलेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपकी लड़ाई क्यों होती है, आपका झगड़ा क्यों होता है, आपकी पत्नी आपको छोड़ के बार बार मायके क्यों चली जाती है, ये चीजें आपने नहीं बताई है। देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कुछ तो आप भी कमी रखते होंगे। भले आप सब कुछ दे रहे हैं, पैसे रुपए वगैरह सब खर्चे उठा रहे हैं, सब उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें अगर कम बुद्धि समझते हैं तो आप दोनों के विचार नहीं मिलते होंगे। और जब आपके विचार नहीं मिलते तो आप दोनों एक साथ कैसे रह सकते हो, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, हमेशा एक ही की गलती नहीं होती है, और कोई भी अगर आप सब सुख सुविधा दे रहे हैं, सारी खुशियां दे रहे हैं, तो कोई भी अपना घर छोड़ के ऐसे बार बार मायके क्यों जाएगा, सोचने वाली बात है। तो अगर दिक्कत ये आ रही है कि आप ज्यादा समझदार है और वो कम बुद्धि है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और शायद यही वजह होगी कि आप दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। ना वो आपके साथ कम्फर्ट है, ना आप उनके साथ कम्फर्ट है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, तो आप दोनों एक दूसरे से बैठ के बात कीजिए कि क्यों, क्या कारण है वो आपको छोड़ के बार बार चली जाती है और बार बार आपको मना मना के लाना पड़ता है। इन चीजों को समझो, आप क्यों बार बार मना के लाते हो, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, क्यों आपको ही झुकना पड़ता है, क्यों सामने वाला मंद बुद्धि होते हुए भी आप पे हावी है, वो छोड़ के चली जाती है और आप मनाने चले जाते हो। किस चीज का डर है आपको, अकेले ना रहने का, बच्चों के लिए, किस चीज के लिए, ये आप अपने आप में ऑब्जर्व करो। और अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे हो, तो फिर आप जो भी आपकी पत्नी बोलती है समझौता करिए, वो आपको मानना पड़ेगा। जब आपकी पत्नी जो बोल रही है, कुछ तो उनकी भी डिमांड होती होगी आने के लिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ रहूंगी, इसीलिए तो आपको बार बार छोड़ के जा रही है। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे और बार बार आप मनाने भी जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसे आप खत्म करिए। उनसे बैठिए, समझिए कि क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे दूर की जा सकती है, आप क्या करेंगे तो वो आपके साथ रहेंगी। अगर
वो मानने के लिए तैयार है तो आप वो करिए जिससे वो आपके साथ रह सके। और दूसरी बात है, अगर आप दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और यही प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ ही रहे, अगर आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ खुश हैं, तो फिर उनकी मांगें पूरी करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मांग होगी, तभी वो बार बार आपको छोड़ के जा रही और आपके मनाने पे वापस आते। आप क्या कह के मनाते हैं, कैसे उन्हें वापस लाते हैं और फिर क्यों वो चली जाती है, ये आपको समझने की जरूरत है। और यही भी मेन रीजन है जो कि बार बार आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। इन चीजों को जब समझेंगे ना आप, ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है और किसकी गलती है। कहीं आपका ज्यादा समझदार होना तो गलती नहीं है, क्योंकि एक ज्यादा समझदार और एक मंद बुद्धि व्यक्ति कभी भी एक साथ सामंजस्य बना के नहीं रह सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाती है कि जब रिश्ता हमारे मेल में नहीं होता है तो रिश्तों में तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि आपकी पत्नी मंद बुद्धि है और अगर आप उनके साथ रहना भी चाहते हैं तो फिर आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, वो जैसी भी है। आप तो समझदार है ही, थोड़ी सी और समझदारी दिखाइए। कभी भी उन्हें महसूस मत कराइए कि वो मंद बुद्धि है, शायद इसी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती होगी। इन चीजों को समझिए, क्योंकि पैसा रुपया और जो ये बाहरी चीजें होती है ना, ये हमें उतना सुकून नहीं देता जितना हमारा आत्मिक सुख हमारे लिए जरूरी होता है। अगर आप उनको तकलीफ दे रहे हैं कि मंद बुद्धि है या ताने मार रहे हैं, या कभी ऐसी बातचीत में आप कह देते होंगे कि तुम ज्यादा समझदार नहीं हो, तो ये चीजें उन्हें तकलीफ देती होंगी और शायद इसी वजह से वो आपको छोड़ के चली जाती, आपके साथ रहना नहीं पसंद करती होगी। तो अगर आपकी गलती है, आपकी तरफ से कुछ गलत हो रहा है, तो उसको सही करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। आप उसे समझो कि कुछ ना कुछ तो आपकी भी गलती होगी, क्योंकि एक ही तरफ से गलती नहीं होती है। अगर सिर्फ उनकी गलती होती और आप सब कुछ सही कर रहे होते तो फिर बार बार जाने के बाद वो आपके साथ मनाने पे क्यों आती। कहीं ना कहीं तो आप किसी ना किसी गलती को एक्सेप्ट करते होंगे, तो क्या वो गलती वाकई में आप कर रहे हैं, उसे सुधारने की जरूरत है। और दूसरी बात कि अगर आपकी पत्नी गलत कर रही है आपके साथ, आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा उनके लिए सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, आप उनकी खुशियां चाहते हैं, लेकिन आपकी वाइफ का दिमाग सही नहीं है या वो चीजें समझ नहीं पा रही हैं या घर वालों के बहकावे में आ रही है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए सही करने की, अपने रिश्ते को नॉर्मल रखने की। अगर ज्यादा टाइम हो जाता है और वो आपके साथ नहीं आती या नहीं रहना चाहती, तो आप उन्हें कह सकते हो कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं रहना चाहते हो तो फिर तलाक ले लो, क्यों फिर शादी निभा रहे हो। तो यहाँ पे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अगर पत्नी ज्यादा लंबे समय से आपके साथ नहीं रह रही है या नहीं आ रही है, 1 साल हो गया है, 6 महीने हो गया है, तो आप कह सकते हो, आप ये केस भी कर सकते हो कि आप रखना चाहते हो, आप उन्हें बुलाना चाहते हो, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ आ नहीं रही है। और दूसरी बात कि अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह, खर्चा वगैरह मांगने की डिमांड है, मैं जहां रह रही हूं वहीं मुझे ये सब चीजें चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो अगर आपकी तरफ से सब ठीक है तो ये भी जायज हक नहीं बनता पत्नी का। अभी हमारे यहाँ पे एक कानून बना है जो कि अगर पत्नी ज्यादा लंबे समय से मायके में रह रही है और पति से दूर है, मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती है। दूसरी बात कि अगर लंबे समय से वो आपसे दूर है तो आप तलाक के लिए भी फाइल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको कानूनी रूप से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे दोनों ही सूरतों में अगर आप सही हो तो फैसला आपके ही हक में होना चाहिए। अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो तो उन्हें आना पड़ेगा, और अगर नहीं आती हैं तो आप उनसे तलाक लेके अपनी जिंदगी में आगे जी सकते हो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीजें उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके ना आने से उनके साथ क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर इस तरह से माने तो थोड़ा सा आप इन चीजों पे समझे। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपकी गलती है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी क्या गलती है, तो उसे ऑब्जर्व करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से जो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आपका ज्यादा समझदार होना और उनका मंद बुद्धि होना, यही चीजें हैं जो आपके रिश्ते में तालमेल नहीं बैठा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता चले और आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपके साथ रहें, आपको अकेलेपन का शिकार ना होना पड़े, आपको डिप्रेशन में ना जाना पड़े, तो फिर आपको उन्हें तवज्जो देना पड़ेगा, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि मंद बुद्धि होना
उनकी गलती नहीं है, और अगर आपके साथ रिश्ता हो ही गया है तो अब निभाने की जिम्मेदारी भी समझदार व्यक्ति की ही होती है। जो समझदार होता है झुकना उसी को पड़ता है, क्योंकि जो मंदबुद्धि होता है जिसमें दिमाग नहीं होता उसमें अकड़ तो होती है। या तो फिर उसके साथ समझौता करके रहा जा सकता है या फिर उसे छोड़ दिया जाना चाहिए, ये दो ही चीजें हैं। तो अब आप क्या चाहते हो ये आप खुद समझो। जो मेरी राय थी मैंने बता दी कि ऐसे हालात में ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। अगर पत्नी बार बार मायके जा रही है, बार बार आपको मनाना पड़ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है आपके सामने। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जो भी करना चाहेंगे अगर आप सही रास्ते पे हैं और सही है तो कानून भी आपकी मदद करेगा, समाज भी आपकी मदद करेगा, भले कोई कैसा भी हो। तो ये चीजें हैं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं आपको क्या करना चाहिए ये आप देख लीजिए। तो मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों चीजें आप समझ चुके हैं। अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो उनसे बात कीजिए और वो जो मांग कर रही है, डिमांड है, उसको पूरा कर सकते हैं तो आप साथ रहिए। और अगर आपकी गलती है तो उसे एक्सेप्ट करिए और उसे सुधारने की कोशिश करिए। और तीसरी चीज कि अगर आपकी पत्नी कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, मेंटेनेंस लेना चाहती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो आप थोड़ा समय को बढ़ने दीजिए। अगर ज्यादा समय तक वो मायके में रह जाती है तो फिर वो मेंटेनेंस का चार्ज भी नहीं लगा सकती, और आप चाहो तो तलाक भी ले सकते हो कि आपके साथ नहीं आने को तैयार है, आप रखना चाहते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप वकील से बात करके अच्छे से समझ सकते हैं। आप जैसा भी चाहे अपने रिश्ते को जो भी मोड़ देना चाहते हैं तो ये सब चीजें होती है, और मेन यही चीजें होती है, इन पे आप काम करोगे तभी इन चीजों को सही कर पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चीजें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं, कॉल पे बात भी कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक मैसेंजर पे DM करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।